हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आलू के मज़ेदार तंदूरी कुलचे बनाने की रेसिपी, जो बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है। बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं बताना शुरू करती हूँ, और वीडियो को मेरी एंड तक देखिएगा, तभी आपको मेरी वीडियो समझ में आएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने एक पैन चढ़ा दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे 2 टीस्पून कुकिंग ऑयल। आप जो भी यूज़ करते हैं कुकिंग ऑयल, वो यूज़ कर लीजिएगा। अब गैस की फ्लेम को हाई कर लेंगे। ऑयल मेरा हो गया, अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1 मीडियम साइज़ की प्याज ले लिया है मैंने, इसको मैंने आमलेट कट काट लिया है, प्याज को लाइट गोल्डन कर लेंगे। प्याज मेरी लाइट गोल्डन हो गई है, अब हम इसमें डाल देंगे कूटी हुई हरी मिर्च, 2 से 3 मैंने ले लिया है। ¼ टीस्पून मैंने लिया है हल्दी, 1/2 टीस्पून लिया है लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून लिया है नमक। अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा। एक टीस्पून हम ले लेंगे तंदूरी मसाला, क्योंकि तंदूरी बना रहे हैं तो इसमें तंदूरी मसाला ही जाएगा। अब हम इसमें डाल देंगे अपना ये आलू, ये मैंने 250 ग्राम लिया है। आलू को मैंने बॉईल करके क्रश कर लिया है। गैस की फ्लेम को लो रखिएगा, वरना आलू और मसाले जो है ना आपके जल जाएंगे। लगातार इसको चलाते रहिएगा। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी धनिया, अगर आपको धनिया पसंद हो तो डालिएगा, वरना स्किप कर दीजिएगा। 1/2 टीस्पून हमने लिया है चाट मसाला, इससे अच्छा टेस्ट आता है चटपटा सा। और 1/4 टीस्पून हमने लिया है काली मिर्च, 1/4 टीस्पून में अच्छे से भुनाई कर लेंगे। अब गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे। आलू मेरा रेडी हो चुका है, अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको चलिए आलू मेरा ठंडा हो चुका है। अब इसमें मैंने एक कटोरी रख दिया है, इसमें तंदूरी फ्लेवर देना है, तो एक मैंने चारकोल को अच्छे से हीट कर लिया था, अब इसमें मैं रख दूंगी। और इसमें 1/2 टीस्पून डाल देंगे बटर या घी, आपको जो भी आसान लगे वो उसको डाल दीजिए। और इसको ढक देंगे, 5 से 10 मिनट इसको हम ढक देंगे, जिससे कि मेरा जब हम तंदूरी पराठा बना रहे हैं आलू का, तो इसमें अच्छा सा तंदूरी फ्लेवर आ जाना चाहिए। चलिए इसमें फ्लेवर आ रहा, तब तक हम आटे को तैयार कर लेते हैं। एक बाउल मैंने ले लिया है, 1/2 कप मैंने ले लिया है मैदा, और 1/2 कप मैंने ले लिया है आटा। अगर आप चाहें तो आटे में बना सकते हैं, या गेहूं के मैदे में भी बना सकते हैं, जिसमें आपको आसानी लगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून डाल देंगे इसमें बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून डाल देंगे लेमन जूस, 1/2 टीस्पून डाल देंगे नमक, 1/2 टीस्पून डालेंगे शक्कर, 1 टीस्पून डाल देंगे कुकिंग ऑयल,
अब इन सबको अच्छे से मिलाकर हम गून लेंगे। इन सबको अच्छे से हम मिलाएंगे और उसके बाद हल्का गुनगुना सा पानी लेकर उससे हम आटे को गूंध लेंगे, जिस तरह से आटे का को हम गूंधते हैं रोटी के लिए या पूरी के लिए, उस तरह से हम इसको अच्छा सा सॉफ्ट डो बना लेंगे इसका। ये देखिए आटा मेरा तैयार हो गया। अब इसको हम 10 से 15 मिनट रख देंगे ढक के, उसके बाद हम फिर बनाएंगे। 10 से 15 मिनट हो चुका है मेरे आटे को, आटा मेरा सेट हो चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। आपको जितना बड़ा बनाना है उस साइज का आप पेड़ा बना लीजिए। ये देखिए ये देखिए इसी तरह से हम सारे पेड़े बना, ये देखिए सारे पेड़े मैंने बना लिए हैं। चलिए अब इसकी, अब इन पेड़ों को हम थोड़ा थोड़ा सा घुमा के थोड़ा सा साइड से दबाएंगे और इसको बड़ा कर लेंगे, जिस तरह से आप आलू की पूड़ियां बनाते हैं उस तरह से हम इसको भर लेंगे। इस तरह से हम भर लेंगे। अब हम इसको अच्छे से बना लेंगे, जिस तरह से आप आलू के पराठे बनाते हैं ना, आलू की पूड़ियां। उसी तरह से इसको हम बना लेंगे। अब हम इसमें जितना आपको भरने की जरूरत हो उस हिसाब से आप भर लीजिए। अब इसको हम इस तरह से घुमाते जाएंगे ऐसे ऐसे, और ये देखिए आलू मेरा अंदर दबता जाएगा। ये देखिए इसी तरह से हम सारी लोइयां बना लेंगे। ये देखिए सारी लोइयों को मैंने भर लिया है। चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा आटा हम लगा लेंगे। थोड़ी इसके ऊपर कलौंजी डालेंगे, तभी तो हमारा ये तंदूरी आलू का पराठा लगेगा। थोड़ा सा धनिया का पत्ता डालेंगे इसके ऊपर। अब हम इसको बेलना शुरू करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा मैंने बनाया है। अब इसी तरह से दूसरा भी हम बना लेंगे। इसके ऊपर भी थोड़ी सी कलौंजी डालेंगे और थोड़ा हरा धनिया डालेंगे। इसी तरह से हम सारे जो अपने पराठे हैं इसको बना लेंगे। ये देखिए मैंने नॉनस्टिक पैन तवा चढ़ा दिया है। आप चाहें तो लोहे के तवे पे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं नॉनस्टिक में आपको बता रही हूँ। ये देखिए तवा मेरा हीट हो चुका है। अब मैं इसको पहले थोड़ा सा इसमें पानी का फ्लेवर देंगे। पानी जब मेरा अच्छे से सूखने लगेगा तो हम उसमें अपने ये कुलचे डाल देंगे। अब 2 मिनट हम इसको एक तरफ से पकाएंगे, उसके बाद फिर हम
उसको पलट देंगे। अब हम इसको पलट देंगे, ये देखिए। अब आप इसके ऊपर बटर या घी जो अप्लाई करना चाहे तो वो लगा सकते हैं। मैं बटर लगा रही हूँ इसके ऊपर। ये देखिए, दूसरी तरफ से भी अच्छे से सीख जाएगा, तो हम इसको पलट देंगे। अब हम इसको पलट देंगे। इसके ऊपर भी लगा देंगे। ये देखिए, कुलचे मेरे फूलने लगे हैं। आप इसको ना सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं, क्योंकि होटल रेस्टोरेंट में ना मैदे से ही बनाते हैं, लेकिन मैं दोनों मिक्स करके बना रही हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से, जो मैंने कलौंजी और धनिया लगाया था उससे कितना अच्छा देखने में लग रहा है। इसी तरह मैं दूसरा भी बनाऊं। गैस की फ्लेम को अभी लो कर देंगे। इसके बाद इसके ऊपर पानी फिर छींटा मारेंगे। दो मिनट इसको फिर पकने देंगे हम। अब हम इसको पलट देंगे। बटर अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर। अब गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे। ये बहुत ही टेस्टी ये बनता है। अब इसको पलट देंगे। इधर से भी बटर लगा देंगे। इसी तरह से सारे कुलचे हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए कितना फूलने लगा है ये मेरा। इसका जो अंदर का बैटर है ना, ये भी बहुत टेस्टी बना, क्योंकि मैंने इसका इसमें स्मोकिंग फ्लेवर दिया है ना, तो ये बहुत टेस्टी बनता है। ये देखिए अभी, ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे आलू के कुलचे बनके तैयार हो गए हैं। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये देखिए, इसको आप इमली की चटनी या दही से के रायते से बना के खाइए। ये बहुत ही टेस्टी लगेगा और मज़ा आ जाएगा आपको खान के। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी, इसे बनाइए, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपकी ये कुलचे, आलू के कुलचे कैसे बने। और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।